को आप अगर अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो जिन पौधों में कभी भी फ्लावरिंग नहीं हुई या फ्रूटिंग नहीं हुई दोस्तों, आपके पौधों में भी इस तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। ये देखिए मेरा कागज़ी नींबू का प्लांट है और जब मैंने इस फर्टिलाइज़र को इसमें यूज किया तो उसके बाद देखिए इसमें इतनी फ्लावरिंग आई, और अभी मैंने इसकी कटिंग की थी उसके बाद इसमें न्यू शूट्स देखे, और इस प्लांट में हमेशा हमें ये फ्लावर देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से फ्रूट लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा गार्लिक वाइन का प्लांट। देखिए इसमें गुच्छे इसका फ्लावर, देखिए कितना प्यारा ये फ्लावर लगता है, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है इन फूलों को देख करके ना। इंसान अगर स्ट्रेस में है तो सारा स्ट्रेस रिलीज हो आता है जब हम अपनी मेहनत अपने फ्लावरिंग इस तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों ये फ्लावर का, ये मेरा बेल को ना 2 साल हो गए थे, इसकी ग्रोथ काफ़ी हुई, यानी कि इसकी ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ इस प्लांट ने काफ़ी ली। यहाँ इसकी जड़ मैंने नीचे इसको लगाया, इसमें शाखाएं हुई, मैं उसको पिंच करती थी, कटिंग करती रहती थी, बट 2 साल से इसमें कोई फ्लावरिंग ही नहीं हुई इस प्लांट में। इसमें फ्लावर नहीं हुई तो सासू माँ ने यही बताया मुझे, इसको डालते ही इसमें जो फुटाव आया, जो फ्लावरिंग हुई, ये देखिए आपके सामने है ये फ्लावरिंग, इसमें आजकल फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी इसमें फुटाव आया, और अब न्यू शाखाएँ और बन रही हैं जो कि इसमें फ्लावरिंग होगी, ऊपर भी हो रही है। तो इतना तगड़ा इसका जो है ना, इस खाद का जो हम फर्टिलाइजर बनाएंगे, इतना तगड़ा इसका असर है, बहुत ही यूजफुल है हमारे प्लांट के लिए। दोस्तों इसी मेरा फर्टिलाइजर का असर है। ये देखिए ये मेरे फर्स्ट लव का प्लांट है, इसको मैं नर्सरी से लाई, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही थी, फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, और देखिए इसमें भी कितना प्यारा फ्लावर आ गया है, और अभी ये बंच में फ्लावरिंग ही हो रही हैं। ये देखिए मांडविला का प्लांट है, इसकी मैंने वीडियो डाली थी, इसमें आगे से शाखाएँ तो काफ़ी थी, फ्लावरिंग थी, लेकिन यहाँ देखिए अब इसके नीचे से देखिए शाखाएँ, ये देखिए। और मैं इस प्लांट को ऊपर नहीं बढ़ाना चाहती तो यहाँ से कट कर दूँगी। ये न्यू ग्रोथ जो आ रखी है इनमें फ्लावरिंग, इसमें होने भी लगी है फ्लावरिंग, देखिए। तो इतनी जल्दी इस प्लांट की ग्रोथ हुई ना, मात्र कलियाँ अगर हम कट कर रहे तो 3रे दिन इसमें कलियाँ निकल आती हैं और इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है, देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू और आपका स्वागत है मंजू ब्लॉग्स एंड गार्डनिंग में। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही पावरफुल वाला हम फर्टिलाइज़र यूज़ शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जो कि मेरी सासू माँ ने बताया है। और इससे अगर आपके प्लांट में फल नहीं आ रहे हैं, अमरूद है, नींबू है, अनार है, कोई भी प्लांट आपने लगाया है और फूल वाले प्लांट हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पहले होती थी अब नहीं हो रही है, या हमने प्लांट की कटिंग कर रखी है, नई नई शूट्स नहीं निकल रही हैं, कलियाँ नहीं निकल रही है, प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही रामबाण घोल, रामबाण तरीका आपको बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, आगे भी आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो हम दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है, आप लोग सब इसको जानते हैं, ये हमारी किचन में रहता है, सब लोग ही जानते हैं, आप समझ ही गए होंगे इसको। ये है पीली सरसों, ये पीली सरसों है, और ये सरसों की मार्केट में खली भी आराम से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जिन जगह सरसों की खली नहीं मिलती है उनके लिए है, या कभी कभार हमारे घर में हम ला नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं अचानक सरसों की खली लेने, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये तरीका है। अगर आपके वहाँ सरसों की खली नहीं है और सरसों के दाने हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, चाहे ये पीली वाली हो चाहे काली वाली हो, कोई सी भी सरसों हो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमने आज पीली सरसों ले रखी है, इससे हम फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं। तो ये क्या करना है, तो उसको कैसा करना है देखिए, आप बताइए ये सरसों है क्या करेंगे इसको, थोड़ा सी बता दो फिर मैं बताओ इसको। इसे क्या करना है, इसको पीस के हाँ और हाँ 5 दिन तक भिगो रखा है हमने, 5 दिन तक। हाँ दोस्तों ये पीली सरसों है, इसको पीस लेना है, ये मैंने 50 ग्राम के करीब ले रखी है, 50 ग्राम सरसों पीसी और 5 दिन तक भिगो दिया। 5 दिन में क्योंकि इसका फर्मेंटेशन हो जाता है, इसका बहुत ही अच्छा असर होता है, तुरंत नहीं होता है और बहुत अच्छा असर इसका होता है, इसलिए हमने इसको 5 दिन तक भिगो देना है। और इसको नीचे रखिए, 5 दिन भिगोने के बाद देखिए इसका कुछ इस तरीके से इसका कलर हो जाता है, ये इतना गाढ़ा डाइल्यूट कर आपको ये डाल रखा है, सरसों डाल रखा है, हाँ सरसों सरसों डाली है और कुछ नहीं डाला है इसमें। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास ये काला पानी है जो हमने बना रखा है दोस्तों, ये देखिए इसको नज़दीक से दिखाना, ये देखिए ये मैंने बनाना पील फर्टिलाइजर को ग्राइंड करके, बनाना पील फर्टिलाइजर को ग्राइंड करके बनाया हुआ है। पोटेशियम हमारा उसमें काफ़ी मात्रा में होता है, केले के छिलकों में उसको ग्राइंड करके मैंने इसको इसका लिक्विड बना रखा है, ये भी बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए है।
तो थोड़ा सा हम इसको जब इसको मिलाएंगे तो इसको भी इसमें डालेंगे। बाकी सरसों में हमारे सारे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, छोटे मोटे सब कुछ आ जाता है। पूरा एनपीके का स्रोत भी है इसमें, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस भी मिल जाता है, इसलिए इससे प्लांट की हमारी बहुत ग्रोथ होती है। अब इसको हमें बनाना कैसे वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये 5 लीटर की बाल्टी है, इसमें डालना कितना से बहुत कम डालना है। लो मैं इसको पकड़ लेती हूँ भर के, यानी कि 5 लीटर की बाल्टी है, बहुत से बहुत इसको 5 चम्मच में इसमें डालती हूँ। 10 ml के करीब हो जाएगा, 10 ml, 5 लीटर में 10 ml ही हम इसको मिलाएंगे। कितना हो डाल दिया, हाँ इतना ही डालना है ना, हाँ इतना ही डालना है इसको, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है। ये देखिए इतने में ही हमारा ये चेंज हो गया है। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा डाल के प्लांट के लिए हर चीज़ ख़राब भी हो जाती है। और इसमें मैं मिलाने वाली हूँ, ये देखिए 1 गिलास मैंने ये मिला दिया है, ये बनाना पील फर्टिलाइजर जो मैंने बनाया है इसको भी मिला दिया है इसमें। ये 5 लीटर पानी में हमने 1 गिलास ये इसको भी मिला दिया है। ये आपके पास हो बना तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल सरसों की खली का ही आप बनाइए। और इसके बाद हम इसको अपने प्लांट में डालते हैं। तरीके से हम अपने प्लांट में डाल देंगे, अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कितना आता है, बहुत नहीं, बस ये बड़ा पॉट है, बड़ा प्लांट है, तो इसमें मैं इस गिलास से 2 गिलास पानी इसमें डाल देती हूँ। 2 गिलास फर्टिलाइजर डाल देंगे हम इसमें। मिट्टी हमारी मॉइस्ट हो रखी है, गीली हो रखी है, ये देखिए बस ये इस तरीके से हमें डालना है। तो इसी तरीके से मैं और प्लांट में भी इसे डाल देती हूँ। दोस्तों ये देखिए मैंने ये गुलाब की कटिंग की थी, ये 15 दिन ही हो रहे हैं इसको, लेकिन इसको मैंने जब ये फर्टिलाइजर अप्लाई किया था तो इसमें 1 ही गिलास डालती हूँ, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले अप्लाई किया था, तो इसमें एकदम से देखिए नई नई सूट से निकल आई, नई नई कलियों से मेरा ये प्लांट भर गया है और इसमें फ्लावरिंग होगी। अगर इसी तरह आपने गुलाब की कटिंग करी है, उसमें नई नई सूट से नहीं निकली हैं, पत्तियाँ कलियाँ आने में देरी हो रही, तो तुरंत इस फर्टिलाइज़र को बनाइए और डालिए अपने प्लांट में। तो दोस्तों ये मैंने आपको आज की वीडियो में फर्टिलाइजर अप्लाई करना बता दिया है, बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है, यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। और आप भी यूज़ करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हुआ, जब भी आप यूज़ करें उसका रिजल्ट भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय। बिगड़ का ये तुम ये कहो कि इसमें कुछ नहीं डाला है, सरसों डाल रखी है, बहुत ज्यादा कीचड़ लगा है। मैं कह रही तुम बता रहे हो, तुम करो क्या, डाल रखा है तुमने।